नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों आप सभी को विधिवत जानकारी है कि आरएस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल आप सभी को फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी है, 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट से हैं तो अब बताइए सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके आरएस के लिए वैकेंसी आई है लगभग 950 वैकेंसी के समथिंग आपके पास वैकेंसी है। तो मैं आपको बताऊं, जी हाँ, आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल 100% भर सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। बोलो कौन सी कैटेगरी में काउंट होंगे? जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे आप। चाहे हो सकता है आप राजस्थान के बाहर ओबीसी में आते हो, एसटी में आते हो, चाहे एससी में आते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप आरएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो याद रखना आप किस में काउंट होंगे, बताओ? जनरल में काउंट होंगे। मतलब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल के अनुसार बनेगी, बिल्कुल आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। मतलब अगर आपको ओबीसी, अगर बाहर मान लो राजस्थान के बाहर आप ओबीसी में हैं, तो वहां पर तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जनरल में काउंट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे। मतलब यूं मान के चलिए, लगभग आपकी अगर 950 वैकेंसी है ना, तो करीबन 400-450 पोस्ट आपकी किसकी है, बताओ? जनरल की है। तो आप यहाँ पर इन वैकेंसी के अंदर अपना काम कर सकते हैं, इन वैकेंसियों में आपको गिना जाएगा, 400-450 वैकेंसियों में। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लगातार हम कमेंट्स में पढ़ते हैं सर हम आउट ऑफ राजस्थान है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, जी हाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल में काउंट होंगे। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। उसके बाद बच्चों, आप सभी के पास एक लग करके तैयारी करने का अच्छा मौका है। टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको मैं बता चुका हूँ, सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट रहेगी, मतलब आपका एग्जाम संभावित है। तो करीबन आपके पास अब 3 महीनों का समय है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो इन 3 महीनों को कैसे करूं इसमें गवा दीजिए, या फिर इन 3 महीने लग करके एक बार तैयारी कर लीजिए। मित्रों, जिंदगी बदल जाएगी, उन माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। तो इन 3 महीनों में या तो ऐसा करिए, यार इतना जल्दी एग्जाम आ गया, इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, क्या करें क्या नहीं करें, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है साहब, आप मेहनत करिए, आप बस अपनी मेहनत को फोकस कीजिए, आप 3 महीने ऑटोमेटिक आपका सब काम होता जाएगा, बस आप अपनी दिनचर्या को बेहतरीन बनाइए। मित्रों आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम डेट है, और आप बाहर के भी भर सकते हैं लेकिन जनरल में होंगे आप। अगली बात मैं आप सभी को बता दूं मित्रों कि जैसे एग्जाम की स्कीम की बात करूं मैं आपके सामने, तो जो एग्जाम होगा, आपको पता है आरएस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 3 फेज होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है प्री, बोलो क्या होता है? प्री होता है। दूसरा जो फेज आता है वो मेंस होता है, और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसे आप साक्षात्कार कहते हो। देखो प्री के अंदर जो होते हैं ना, वो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 150 क्वेश्चन। प्री के अंदर कितने सवाल होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है प्री वाला। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आप सभी को पता होना चाहिए इसमें मैथ्स भी आती है, आपकी रीजनिंग भी आती है, जीके भी आती है, कुछ एक पार्ट जीएस का भी आता है। तो इस प्रकार आपके चारों होते हैं, और ये पेपर कौन सा होता है बताओ? ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, जिसे आप कहते हो, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। और यहाँ पर आपके लगभग 15 गुना बच्चे आपको मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। अब जब यहाँ से आप सीधा किसमें, अगर मान लो आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप किसके लिए जाएंगे बताओ? मेंस के लिए जाएंगे। जब आप मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब आपको पेपर लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपके 4 पेपर होते हैं, एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो 4 पेपर होते हैं, तो 200 × 4 तो लगभग 800 मार्क्स का आपका होता है यहाँ पर। जब आप मेंस भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको साक्षात्कार के बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपके पास समय अब 3 महीने का बचा है, आप इस 3 महीनों को यूटिलाइज कीजिए और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाइए। अब दिक्कत ये कि गुरुजी हम फॉर्म कैसे भरें, तो मैं आपको एकदम समझा देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलिए, और ब्राउजर के अंदर आप सभी को देखो यहाँ पर क्या करना है, सर्च में करना है आरपीएससी। बोलो क्या टाइप करना है? आरपीएससी टाइप करना है, और इसको सीधा सर्च करना है। आरपीएससी टाइप करके इसको क्या करना है बताओ? सर्च करना है। जब आरपीएससी सर्च करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिएगा सभी बच्चे कि जिस प्रकार आप सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ राजस्थान, सिंगल साइन ऑन एसएसओ राजस्थान, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एसएसओ आईडी बनेगी। देखो
मेरी बात समझिए, अगर किसी की SSO ID पहले ही बनी हुई है, SSO ID पहले ही बनी हुई है, तो आप उसको सीधा क्या करेंगे बताओ, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे यहाँ पर SSO ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। तो आप ऑटोमेटिक फिर आपका जो उसमें एक RS का दिखेगा उसको क्लिक करेंगे और वहां पर फॉर्म फिलअप कर देंगे। अगर मान के चलिए आप नहीं है तो फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे सिटीजन, गवर्नमेंट इंप्लॉय वगैरह, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल, तो अपन आधार से देखो ये जन आधार लिखा हुआ है, तो आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी SSO ID बन चुकी होगी, फिर उसको लॉगिन करना है, यहाँ से वापस लॉगिन हो जाएगी, और लॉगिन करने के बाद आपको बिल्कुल आपका फॉर्म फिलअप कर देना है। बिल्कुल फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से, तो मेरे हिसाब से जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी आपको क्लियर बता दिया है, पहले भी सिलेबस आप निकलवा लेना। कंप्लीट मैंने एग्जाम स्कीम बता दी, बाहर के भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है सारी जानकारी मैंने आपको वन बाय वन क्लियर करके दे दी। मुझे विश्वास है कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। आगे की नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्रेम प्यार दिखाने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।